नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जो आपका वैकेंसी निकाला गया है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, तो इसमें देखिए बहुत सारे आपके निकाले गए हैं, जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का, और इसके अलावा टीचर के भी वैकेंसी बहुत सारे इसमें आपका है, और इसके अलावा और भी है। तो हमने आपको ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट इसका आपको बताया था। और देखिए, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और साथ में जो सिलेबस है हर एक पोस्ट के लिए, तो वो जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना। हम जो है इसमें आपको उसके रिगार्डिंग सिलेबस और बुक्स जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, स्टडी मटेरियल रहेंगे, तो वो जो है हम आपको इसमें बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका कि जो ये आपका वैकेंसी जो निकाला गया हुआ है, तो इसका देखिए जो ओपनिंग डेट होगा फिल करने का, तो ये है आपका 15/3/2021। 15/3/2021 से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका आपका है 14/4/2021। तो डेट आप लोग ध्यान में रखना। और देखिए, इसका जो फी आपका है तो ओनली 100 रुपीज़ ही है, तो आप लोग इसे ज़रूर फिल कर देना। अगर आपका इसमें 3-4 भी सीट रहते हैं तब भी आप लोग फिल कर देना, क्योंकि फी कम आपका है इसमें। और साथ में जो वीमेन कैंडिडेट है और जो ST/ST से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट है, तो उनको यहाँ पे फी जो है एप्लीकेशन फ़ी पे करना ही नहीं है, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। और मेन चीज़ आपका एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका है कि जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा ना, ये सारे एग्जामिनेशन जो होंगे आपके, तो ये केवल दिल्ली और NCR के रीजन में ही आपका होगा। तो सेंटर से रिलेटेड आपका डाउट कोई जो है नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जो भी सेंटर आपको मिलेगा तो ये केवल दिल्ली और NCR के जो रीजन है वहीं पे आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले पैटर्न के बारे में देखते हैं, जो आपका एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो इसमें देखिए, जो आपका दिया हुआ है जो डिफरेंट पोस्ट है इसमें आपका, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है जनरल कैंडिडेट का, मतलब जनरल जो पोस्ट है इसमें आपका, तो इनमें 1 टीयर एग्जामिनेशन होंगे किसी का, और बहुत से लोगों का 2 टीयर भी होगा। तो 1 टीयर जैसे आपका जनरल वालों का इसमें है, और पोस्ट कोड आप लोग देख लेना यहाँ पे, पोस्ट कोड ये जो है आपका दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, और यहाँ पे भी हमने दे दिया है कि पोस्ट कोड में जैसे कौन कौन से आएंगे, ये कोड का कितना, मतलब किस का पोस्ट का है ये, और इनका कितना यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, और साथ में सिलेबस क्या रहेगा, तो ये पूरा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है। तो यही हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 1 टीयर जनरल के अंडर में जो आपका पोस्ट कोड है, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 17/21/22/21/23/26/29/30, ये जो पोस्ट कोड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी का जो कोड आपका है, जैसे 17/21 पर्सनल असिस्टेंट का है, उसके बाद 22/21 आपका पर्सनल अरे असिस्टेंट Grade 2 का आपका है, और वहीं पे 23 आपका असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर का आपका है, और वहीं पे 26/21 आपका ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर का है, और उसके बाद फिर आपका जो है असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर और प्रोग्रामर का आपका 30 वाला। तो इनका देखिए जो पैटर्न आपका रहेगा यहाँ पे, जैसे कि एग्जामिनेशन आपका रहेगा, टोटल 200 क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें, और टोटल मार्क्स आपका 200 का रहेगा, और टाइम इनका है 2 आवर्स का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रैंड टोटल जो आपका रहेंगे 200 में से, तो जो आपके सिलेबस है इसके लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं MCQ आपका आएगा 1 मार्क्स का ईच। कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे इसमें, तो जनरल अवेयरनेस आपका है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है यहाँ पे, और साथ में अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो कि आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड जनरली बोलते हैं हम लोग, और साथ में टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन का है, और साथ में आपका जो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन का है। तो इसमें देखिए, जो आपके इसमें जैसे लगभग 5 सेक्शन आपके दिए हुए हैं, तो हर एक सेक्शन आपका 40 मार्क्स के रहेंगे, तो 200 मार्क्स आपका टोटल हो गया। तो ये जो है आपका इन सभी जनरल, मतलब जो भी पोस्ट है इसमें आपका आता है, इन सभी के लिए है। और वहीं पे 1 टीयर एग्जामिनेशन टेक्निकल वालों का भी है। अब इसमें देखिए, पोस्ट कोड आपका दिया हुआ है 1 से लेकर 13 तक, तो 1 से लेकर 13 तक जो है ना आपका इसमें, तो ये टेक्निकल असिस्टेंट में ये सारे आ जाएंगे आपके, जैसे इसमें सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप लोग देख लेना वहाँ पे, तो इन सभी का आएगा। और साथ में 13/21/16/18/19/20/25/27/28, तो इन सभी का दिया हुआ है कि ये कौन कौन से मतलब है जो मतलब वैकेंसी निकाली गई थी इन सभी का। तो इनका देखिए जो एग्जामिनेशन आपका होगा, तो इसमें 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा आपका, टोटल क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे यहाँ पे, और टोटल मार्क्स 200 का रहेगा आपका। तो इसमें देखिए, जो आपके आएंगे यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी करके दिया हुआ है इनके लिए, सेक्शन ए आपका कॉमन है, जो कि आपने यहाँ पे देखा था, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज का आपका आएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके आएंगे कंप्रीहेंशन से। लेकिन इसमें मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका, जैसे इसमें 40 मार्क्स का हर एक का था, लेकिन इसमें आपका 20 मार्क्स का ही रहेंगे सारे चीज़। और साथ में सेक्शन बी जो आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, उन द सब्जेक्ट कंसर्न रहेंगे,
जो कि आपको क्वालिफिकेशन प्रस्क्राइब किया गया है पोस्ट के लिए, तो ये आपका 100 मार्क्स का रहेंगे। तो इस तरीके से 200 रहेगा ना आपका यहाँ पे, तो 100 मार्क्स आपका नॉन टेक्निकल और आपका 100 मार्क्स टेक्निकल, यानी कि जो सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड है। और कौन कौन से आएंगे इसमें, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपका दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया है आपके सहूलियत के लिए। फिर इसके बाद देखिए आप अगला यहाँ पे है, दैट इज़ जो कि आपका दिया हुआ है टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए है। तो इनका भी 1 ईयर का ही एग्जामिनेशन होगा। अब पोस्ट कोड कौन सा, 31 और 32 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 और 32 का। तो इसमें देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आपका है एक आपका यहाँ पे, और दूसरा आपका यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर है प्राइमरी का, जिसमें कि बहुत सारा पोस्ट आपका 1126 है। तो इनका देखिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, मतलब जो टाइम रहेगा आपको 2 आवर्स का रहेगा एग्जामिनेशन, और फिर जो है आपका इसमें 200 मार्क्स के रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो सेक्शन ए है और उसके बाद सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए में आपका जैसे एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, और यही सेम आपका है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का, और हर एक जो आपका है 220 मार्क्स का आपके आएंगे। तो सिमिलर ये आपका नॉन टेक्निकल, और बाकी जो सेक्शन बी आपका है ये भी एमसीक्यू आपके रहेंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन वन ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी, और साथ में जो बीएड स्टैंडर्ड का आपका रहता है वहाँ पे। तो ये 100 मार्क्स का रहेगा आपका, तो 100 ऊपर का और 100 नीचे का, तो टोटल आपका यहाँ पे जो है 200 मार्क्स का आपके हो गए। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा आपका एग्रीगेट मार्क्स सेक्शन ए और बी दोनों मिला के। तो ये है आपका पोस्ट कोड 31 और 32 जो आपका दिया हुआ है। ये किसका किसका है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेनली इसमें जो आपका स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का है इसमें, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इनका है 1126 है। तो आप लोग इसको देख लेना अपना पैटर्न ये जो है, और देखिए इन सभी से रिलेटेड जो नॉन टेक्निकल पार्ट है ना, तो हम आपको इसका पूरा कंप्लीट क्लास आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए दूसरा इसमें आपका यहाँ पे है, दैट इज़ 2 टीयर एग्जामिनेशन आपके होंगे टेक्निकल सेक्शन के लिए। तो इसमें कोड आपका है 15/21 और 24/21। तो ये जो है आपका देखिए जूनियर इंजीनियर का है, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे हमारे साथ, तो इसमें देखिए 15/21 आपका जूनियर इंजीनियर जो कि आपका ये ME और EE के लिए है, मतलब जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए है, और 24/21 जूनियर इंजीनियर आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो इनका देखिए जो एग्जामिनेशन होगा आपका 2 आवर्स का रहेगा आपका ड्यूरेशन Tier 1, और साथ में आपका जो Tier 2 रहेगा तो ये भी आपका जो है 2 आवर्स का रहेगा, एक सेशन में ही रहेंगे आपके। तो 200 मार्क्स का देखिए आपका ये नॉन टेक्निकल रहेगा आपका यहाँ पे, और बाकी जो Tier 2 आपका होगा यहाँ पे, तो ये जो है एग्जामिनेशन अभी आपके 200 मार्क्स का ही होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है, जो 200 मार्क्स का आपका Tier 1 में जो होगा, तो ये जनरल अवेयरनेस वही सेम कॉमन आपका है, जो कि 20 मार्क्स का आपका ईच रहेगा। और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके, यानी कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपका रहेगा, जो भी रेस्पेक्टिव ब्रांच आपके होंगे, तो उनसे आपका यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स के आपका आएंगे। तो ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है ना, तो ये तो सभी के लिए कॉमन है आपका, और बाकी जो टेक्निकल आपका आएगा तो 100 मार्क्स का आपका आएगा। और यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे देखिए Tier 2 भी देना है, जो लोग टेक्निकल मतलब कि ये जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई किए होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Tier 2 आपका है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पेपर आपका रहेगा सेक्शन ए में, तो इसमें देखिए 150 मार्क्स का आपका आएगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, 75% वेटेज रहेगा इसका। और वहीं पे सेकेंड पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन है आपका, खासकर ये 50 मार्क्स का अकेला आपका आएगा, जो कि वेटेज आपका रहेगा इसका 25% वेटेज रहेगी। लेकिन नंबर वाइज आप देखते हैं मार्क्स का, तो यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का रहने वाले हैं। तो इंग्लिश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और वहीं पे देखिए अगला आपका यहाँ पे है, दैट इज़ Tier 2 टेक्निकल वाले और भी है, जैसे 14/21 आपका इसमें दिया हुआ है, 14/21 आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो इनका देखिए जो एग्जामिनेशन होगा 2 टीयर लेवल में होगा इनका, एक Tier 1 2 आवर्स का, सेकेंड टीयर भी आपका रहेगा तो 3 आवर्स का रहेंगे, एक सेशन में ही रहेगा आपका। तो Tier 1 में आपका 200 मार्क्स वो आपका एज इट इज है, जिस तरीके से जूनियर इंजीनियर का था आपका, जैसे जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग का आपका हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश है आपका, तो 20-20 मार्क्स का आपका सभी आएंगे। और साथ में जो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पेपर आपका है, तो ये भी 100 मार्क्स का ही आपके आएंगे। और वहीं पे जो Tier 2 है, तो 3 आवर्स का रहेगा, 250 मार्क्स का आपका ये रहेगा टोटल इसमें। तो पार्ट ए देखिए, ये जो आपका है तो इसमें सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पेपर आपके रहेंगे 200 मार्क्स का, जिसका 80% वेटेज रहेगा। और पार्ट बी जो आपका यहाँ पे है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका यहाँ पे, और इसका नंबर आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें कि आपका एसे और लेटर राइटिंग आपके आएंगे, 30 मार्क्स का एसे और लेटर राइटिंग आपका 20 मार्क्स का, तो इसका वेटेज आपका जो है 20% रहेगी। तो इंग्लिश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चाहे हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर को हो या तो फिर आपका JEE वालों के लिए है। तो इंग्लिश का जो है हम आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए एक और आपका इसमें है टेक्निकल का, जो कि 21
21 आपका इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का है, तो इनका भी पैटर्न वही सेम ही है नॉन टेक्निकल का आपका, मतलब कि जो 100 और 100 आपका दिया हुआ है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों मिला के, और बाकी सब वही सेम आपका है, नीचे भी दिया हुआ है 3 आवर्स का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो ओवरऑल आपका एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, तो नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है ना, जो चाहे वो 1 टीयर एग्जामिनेशन जिनका हो या फिर 2 टीयर हो, तो वो सभी का कॉमन है। तो आपको जो है पढ़ना होगा जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये तो सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो कोई भी या कोई भी फॉर्म भरा हो मतलब DSBC के अंदर में, तो सभी का यहाँ पे कॉमन ही आपका। और देखिए यहाँ पे सिलेबस भी डिटेल में दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपका क्या पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आपका आएगा, हिंदी लैंग्वेज कंप्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन आपका क्या आएगा, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी सेक्शन बी में आपका क्या पूछे जाएंगे, तो ये चीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है आपका सब यहाँ पे। तो यहाँ पे है जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जनरल अवेयरनेस का, तो इसका देखिए जो सिलेबस आपका दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे डिजाइन किए जाएंगे, दैट इज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके रहेंगे इसमें, और क्वेश्चन आपका डिजाइन किया जाएगा नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स का, यानी करेंट अफेयर का भी आपको पढ़ना होगा इसके लिए, और इसके साथ साथ में जो है आपको और भी पढ़ने होंगे, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सारे का सारा आपको मतलब जनरल अवेयरनेस में जो भी सब्जेक्ट आपके आते हैं सभी चीज़ आपको पढ़ के जाना होगा। तो ये आपका 20 मार्क्स का है, तो आपको करना ही होगा। तो देखिए इसके लिए तो है बेस्ट मटेरियल, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत जगह सोर्स से आपको पढ़ने होंगे, कोई एक बुक में आपको पूरा पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर हम बात करते हैं आपका जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने की बात आती है, तो इसके लिए एक बुक आपका आता है जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है GK का, मनोहर पांडे का, तो आप इससे स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारा नोट्स भी आप स्टडी कर सकते हैं। हमने जो है हिस्ट्री को छोड़ के बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपका जैसे इन्वायरमेंट का आपका हो गया, करेंट अफेयर का हो गया, तो इन सभी का ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है वीडियो SSC JEE एग्जाम के लिए, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं वहाँ से। आपको उसके अलावा जो है एडिशनल और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स उसमें लगभग कवर किए हुए हैं। और करेंट अफेयर के लिए आप लोग जो है SPD पब्लिकेशन का ही बुक पढ़ सकते हैं, तो फिर मेरा करंट अफेयर का नोट्स आप लोग स्टडी कर सकते हैं। हम हर मंथ जो है अपडेटेड करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं इसका, तो आप लोग मेरा GK GS के नोट्स आप लोग अब बाय कर सकते हैं। आप लोग लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जो हमने SSC JEE के लिए बनाया, तो वही आपका सेम इसमें भी काम आ जाएगा। और वहीं पे देखिए जो सेकेंड आपका इसमें था, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तो ये देखिए जितने भी दिए हुए हैं ना आपका, तो ये सिमिलर आपका है SSC एग्जाम से, जो आप SSC एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसी के ही सिमिलर आपका है, इसमें कोई ज़्यादा इसमें आपको चेंजेस नहीं मिले, क्वेश्चन भी वही सेम पैटर्न पर ही रहते हैं। तो आपके लिए यही यूजफुल रहेगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, जो कि आपका DE SSSB का जो एग्ज़ाम आपके हुए थे प्रीवियस ईयर में, और साथ में SSC के भी, और कोई कॉन्सेप्ट आपका अगर इसमें से नहीं आता तो आप यूट्यूब पर रिकमेंड कर सकते हैं। और वहीं पे देखिए अगला आपका इसमें है, दैट इज़ दिया हुआ अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तो ये मैथ भी आपका जो है ये सारे वही कॉमन टॉपिक्स है जो आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे SSC एग्जाम के लिए, फिर रेलवे एग्जाम के लिए, तो इसमें जो आपका वही सेम टॉपिक है। इसके लिए देखिए सबसे बेस्ट बुक आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी या अर्थमेटिक एबिलिटी के लिए, आप लोग अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि आपका आता है एक बुक फास्ट ट्रैक मैथ के नाम से आपका आता है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और साथ में यूट्यूब पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है, लेकिन जो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, और उसी से ही आपका पूरा तैयारी है सभी लेक्चर आपके, मतलब सभी जो टॉपिक्स आपके हो जाएंगे इजीली। अब यहाँ पे देखिए मेन आपका है, दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का, तो इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और आपको बताएंगे कि इसके आपको कहाँ से स्टडी करना होगा। देखिए हिंदी लैंग्वेज और साथ में जो इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपका जैसे हिंदी का, तो देखिए इसमें भले इन्होंने दे दिया है कि टेस्टिंग कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, क्वेश्चन टू इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर सेक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेस ETC वुड बी कवर्ड, तो ये सारे टॉपिक तो उन्होंने मेंशन कर दिया है, लेकिन जो टॉपिक्स आपके आएंगे ना, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके आएंगे ग्रामर का, वो चाहे हिंदी या इंग्लिश दोनों का हो। तो यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं, तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स आपको स्टडी करके जाने होंगे, इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो हम इसका आपको पूरा कंप्लीट पूरा प्रोवाइड कर देंगे नोट्स और स्टडी मटेरियल। तो हिंदी के लिए आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग अभी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी का हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो और नोट्स भी बनाया हुआ है UPSC JEE एग्जाम के लिए, तो हम लिंक जो है इसका प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, तो इससे भी आप लोग कर सकते हैं।
नहीं तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे अपडेट करते हुए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड आपका कर देंगे, तो आपका जो है तैयारी हिंदी का हो जाएगा। और वहीं पे देखिए इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में जो है आपका ये सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चन आएंगे, स्पॉटिंग एरर, फिल द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ग्रामर से आपके ये सारे टॉपिक आपको स्टडी करने होंगे। तो इसके लिए बुक आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं, एसपी बख्शी का, इसमें पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं आप, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और नहीं तो इंग्लिश अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है एयरपोर्ट थ्योरी ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए, और एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इसके लिए, तो उसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, तो इससे आपका इंग्लिश तैयार आपके हो जाएंगे। तो आई होप कि जो हमने आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताया आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे टू टीयर एग्जामिनेशन है आपका इसमें, तो स्कीम इसका जो होगा टू टीयर एग्जामिनेशन का, तो जो सिलेबस टीयर वन का जो है आपका इसमें, तो वो सेम रहेगा टीयर वन एग्जाम के लिए जो सेक्शन ए करके दिया था आपका, और जो सिलेबस आपका टीयर टू एग्जाम के लिए दिया हुआ है, तो इसमें जो पार्ट ए आपका एमसीक्यू बेस्ड आपके रहेंगे, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो एबिलिटी जो रहेगा आपका, तो सेम रहेगा आपका टीयर वन का, इसमें बस ये है कि स्लाइटली हायर लेवल के आपके आएंगे इसमें, ये चीज करके दिया हुआ है। और वहीं पे जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका दिया हुआ है इसमें, तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी टीयर वन में आपका दिया हुआ था, तो वो स्लाइटली हायर लेवल का आपका इसमें आएगा, यानी कि जो आपका टीयर टू में जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर जो पार्ट आपका रहेगा इसमें। और इसके साथ में जनरल अवेयरनेस भी आपका रहेगा, जो टॉपिक आपके दिए हुए थे टीयर वन में, तो वो तो आपका जैसे क्वेश्चन रहेंगे ही आपके हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी से, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अब दिल्ली से भी रहेंगे आपके इसके अलावा, तो ये सारे आप लोग देख लेना, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो आपका रहेगा ना इसमें, तो ये आपका टीयर वन के जैसा ही रहेगा, स्लाइटली हायर लेवल रहेंगे इसमें आपका। और पार्ट टू डिस्क्रिप्टिव आपका तो दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग पूरा देख सकते हैं, डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है। और इसके अलावा देखिए इम्पोर्टेंट नोट्स आपका और भी करके यहाँ पे दिया हुआ है, कि जैसे मान लीजिए कि जो कैंडिडेट यहाँ पे एग्जामिनेशन देंगे अपना यहाँ पर, तो जो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका रखेगा, और साथ में निगेटिव मार्किंग भी आपका रखी गई है, तो निगेटिव मार्क का 0.25 मार्क्स आपका दिया हुआ है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका दिया हुआ है इसमें जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन आपके होंगे। तो जनरल को उसमें जो है आपको 30-40% लाना है, ओबीसी के लिए जो दिल्ली वाले जो बिलोंग करते होंगे उनका 35%, एसटीएससी के लिए 30% आपका दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना सभी चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने जितने भी इम्पोर्टेंट आपके मतलब रिलेटेड आपके थे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, और साथ में जो सिलेबस था तो वो आपको पूरा बता दिया है, और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस इसका है तो वो भी हमने आपको बता दिया है। अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, और हम जो है इसके रिगार्डिंग आपको क्लास भी पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे, खासकर हिंदी और इंग्लिश का तो आपको हम कराएंगे ही कराएंगे इसका। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।